मिनेस्ट्रोन सूप बनाने के लिए हम एक पैन में सिर्फ एक टेबलस्पून ऑलिव ऑयल लेंगे। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। इसमें हम 1/4 कप जुकीनी ऐड करेंगे। आप अपने फ्रिज में जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स है उसे ले सकते हैं और इसे थोड़ा सा भूनेंगे। 3 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। अब इसमें 3 टमेटोज की प्यूरी ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और 3 से 4 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून टमाटो केचप ऐड करेंगे और इसमें 1.5 कप वेजिटेबल स्टॉक ऐड करेंगे जिसमें हमने अपनी वेजिटेबल्स बॉईल की है। स्वादानुसार सॉल्ट ऐड करेंगे और इसे एक अच्छा सा मिक्स देंगे। अब इसमें हम 1 कप बॉइल्ड वेजिटेबल्स ऐड करेंगे जिसमें मैंने कॉर्न्स, बीन्स, आप जो भी पसंद की वेजिटेबल्स है वो ले सकते हैं, और 1/2 कप बॉइल्ड पास्ता ऐड करेंगे। पास्ता भी आप अपने चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ी सी ओरिगैनो ऐड करेंगे, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे और थोड़ा सा पेपर पाउडर ऐड करेंगे। इसे मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने देंगे। अब हम इसमें थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर की पेस्ट ऐड करेंगे और इसे कंटिन्यूअस स्टर करेंगे। फाइनली इसमें हम 8 से 10 तुलसी के पत्ते या बेसिल लीव्स ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। हेल्दी और डेलिशियस मिनेस्ट्रोन सूप रेडी है। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।